तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल प्रोग्राम में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 7। दोस्तों हम कह रहे हैं पोकेमॉन स्कारलेट वायलेट। तो पिछले ही एपिसोड में हम जाते हैं अपने नेक्स्ट बैच के लिए, तो हम नेक्स्ट बैच अपना फाइनली जीत लेते हैं। उसके बाद हम पकड़ते हैं एक स्लीकर को। दोस्तों सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तो दोस्तों ये है फ्लैरियन। तो सबसे पहले आंसर दिया है काशी द कॉपी निंजा ने, उसके बाद दिया है लक्ष्य भाई ने, फिर दिया है एनके ट्रैवल ने। दोस्तों ये वो डी पोकेमॉन नॉट फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमॉन नॉट फैन हो तो अभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ कुछ स्ट्रीम पे आने वाला है। चंदो चलते हैं इसके अंदर, जरा देखते हैं भाई अब टीम येलो को हमसे लेना क्या है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इनका जो लेजेंडरी पोकेमोन है, जिस मतलब लेजेंडरी नहीं वो रेयर पोकेमोन है, मेन ये जेबडोस के पीछे है फिलहाल के लिए, और वो रेयर पोकेमोन की मदद से जेबडोस को ढूंढने वाले हैं। और अभी के लिए हम इनके प्लान को ख़राब करने आने वाले हैं यहाँ पे। ये इनका भी मेन हेडक्वार्टर नहीं है मेरे हिसाब से, ये इनका नॉर्मल हेडक्वार्टर है। मतलब मेरे हिसाब से मेन हेडक्वार्टर इनका कहीं और होना चाहिए। अभी के लिए हम देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेन बॉस तो नहीं होगा इनका, तथा कमांडर यहीं पे होने वाला है, तो हम शायद कमांडर को मिल पाएँ यहाँ पे। चलो देखते हैं भी क्या हिसाब किताब बनता है। यहाँ पे पोकेबॉल मिली है, इसमें मैग्नेट है, इसको हम रख लेते हैं। मैंने बस सब लोगों को यहाँ पे डिफीट कर दिया, तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए यहाँ पे। हाँ मेरे हिसाब से तो कोई डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पे है नहीं है, मैंने सबको हरा दिया था। और नीचे की साइड से हम निकल सकते हैं। वहाँ पे एक सीढ़ियों के पास बंदा खड़ा है, और मुझे नहीं पता वो बंदा क्यों यहाँ पे खड़ा, पर मैंने उससे फ़ाइट नहीं की है। मेरे हिसाब से ऐसे खड़ा कर रखा है उसको, तो हाँ मैंने इसे बैटल नहीं की थी। इसके नीचे देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने किसी से बैटल नहीं की थी, ये अपना बी फ्लोर है इसके ऊपर। ओके तो यहाँ पे अपना रेयर पोकेमोन है और हमें इसको बचाना है। अभी ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर कर रहे हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब बनने वाला है। ज़रा हम पहले इससे बात करते हैं, हम इसको रख पाएंगे नहीं। ये हिला है बस, उससे कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लगता है साइंटिस्ट भी कुछ बोल नहीं रहा है, इस लड़की से हम बात करेंगे। ओके हम दोबारा यहाँ पे आ चुके हैं, और हम दूसरों के बिजनेस में उंगली करना हमारी आदत है, प्लस मेरे हिसाब से ये हमसे बैटल करने वाली है यहाँ पे। हाँ बाकी मैंने इसको सभी लोगों को डिफीट कर दिया हुआ है, बस प्रॉब्लम हमारी अब उसमें है, पीपी ख़त्म होने पे आ गई है हमारी। यहाँ पे ट्रोल इसका 3 पोकेमॉन होने वाले हैं। ठीक है तो मैं यूज़ करता हूँ अपना टेल फ्लेमो, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट होना चाहिए भाई अपना फायर टाइप में। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है यार, बड़ा मस्त चलता है यार ये। सच्ची बोलूँ ना फायर और मतलब फ्लाइंग टाइप का मिक्सचर ना बड़ा बढ़िया है यार ये। ये बग टाइप और लैटर टाइप के लिए तो ख़तरनाक बहुत है भाई। और यहाँ पर हमने फाइनल इसको डिफीट क्यों नहीं हुआ यार, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। ओके 26 का ऊपर क्या हुआ, फिर भी नॉर्मल टाइप में आता है। फ्लेम थ्रो करते हैं हम लोग, इसने हमारी एक्यूरेसी गिराई है ना, तो अटैक मिस नहीं होना चाहिए हमारा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला होगा। मेरे हिसाब से टेयर फ्लेमों को सब कुछ हैंडल कर लेना चाहिए। 42 का आ चुका है भाई, ठीक है। यहाँ पे इनके बंदे बड़े ख़तरनाक थे भाई, इनसे मैंने बैटल की ना, और साथ में जो अपना वो था अपना स्लेगरो था, मैंने उसको ना पीसी में शिफ्ट कर दिया। उसका मैं लेवल गेन करूँगा, मैं अपने आप खुद ही ट्रेनिंग कर वगैरह करवा रहा हूँ, और देखूँगा कि जहाँ पे वो हमें पता ना बारिश हो रही है। एक सब्सक्राइबर ने बताया था भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग करके देखो। तो मैं देखता हूँ भाई, मेरे हिसाब से इस वीडियो में तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, अभी लेवल ज़रा कुछ खास गेन नहीं हुआ है, 40 का है वो फिलहाल के लिए। और उसके बाद मैं उसको लेकर आऊँगा, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीडियो तक मैं उसको इवॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमारे मेनली सारे पोकेमॉन 46-47 के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा उसे 50 का करने की कोशिश, पूरी ट्राई करूंगा 50 का हो जाए वो मेरा, और उसको इवॉल्व करेंगे हम लोग। मुझे देखना यार उसे एक बार, मेरे हिसाब से वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो भाई मैं क्या बोलूं भाई। अब मैं वहाँ पे जो घास वगैरह ना वहाँ पे मतलब बारिश हो रही, नेचुरल बारिश बोली थी ना कि नेचुरल रेन होनी चाहिए बैटल के टाइम, तो हम ट्राई करेंगे। मुझे क्या आर्टिफिशियल रेन करने के बाद वो इवॉल्व होता है, पर मैंने लगता नहीं वैसा होने वाला होगा, पर मैं चलो देखते हैं। बाकी से हमारा रेन डांस होता है मुँह, उसके बाद तो इवॉल्व तो नहीं होगा कि पहले मुझे 50 का होने के बाद रेन डांस करना पड़ेगा और उसके बाद इवॉल्व हो, क्या पता उसका। चलो हम ट्राई करूँगा मैं अपने आप, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो तक उसको आपके सामने ले आऊँ कि हाँ भाई अपना ये पोकेमॉन फाइनली इवॉल्व हो चुका। अच्छा ये इसलिए खड़ा किया था क्योंकि हम शॉर्टकट था जाने के लिए, मैंने तब ध्यान नहीं दिया था। ठीक है अभी के लिए हम सबको डिफीट कर दिया हुआ है, और अभी के लिए इनका वो मेन लीडर है वो अपने उस पोकेमॉन के पीछे गया क्योंकि वो उड़ गया था ना वो। तो अभी के लिए हमें देखना चाहिए बाहर की साइड, मेरे हिसाब से अब टनल का रास्ता खुल जाना चाहिए। वो टनल ना आगे की साइड देखा था मैंने पिछली सिटी में, पिछली सिटी में था वो, और उस टनल में हमें जाना होगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट बैच हमारा वहीं पर होने वाला होगा,
पर जो टीम सारी पूरी गई, इनका मेन लीडर जा चुके हैं, टीम सारी नहीं गई है यहाँ से। चलो हमें क्या लेना देना इनसे भाई, हम ना फ्लाई करते हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो फ्लाई करना है वो हमें करना होगा इस सिटी में, मे बी देखते हैं एक बार। मेरे हिसाब से हम गलत जा रहे हैं शायद, नहीं यहाँ पे नहीं था, ये तो वो वाली है जो रेन वाली सिटी है ना, जहाँ पे हमें वो पोकेमन मिल रहा अपना। तो मैं दोबारा फ्लाई करूँगा और मैं देखता हूँ इस सिटी में जाके। हाँ ये सिटी है, यही सिटी में हमें जाना है। यहाँ पे ना एक आइस वाला टनल होना चाहिए, हमें वहाँ से निकलना होगा नेक्स्ट सिटी के लिए। तो फाइनली सिटी में आ चुके हैं, मेरे हिसाब से हम सही आए हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी पोकेमन्स की हेल्थ फुल कर ली है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि बिना हेल्थ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ऊपर की साइड ये केव में अब हम जा सकते हैं, ये हुई ना बात। ओके आयरस ग्लेशियर्स, मेरे हिसाब से ये अपना आइस टाइप केव होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो फिर डिफीट कर देता हूँ सबको, यहाँ पे जितने बंदे थे मैंने सबको डिफीट कर दिया है। अगर उसके आगे कोई होगा तो उसको डिफीट करना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मली जो पास थे मैंने सबको डिफीट कर दिया। आगे यूज़ करनी है स्ट्रेंथ, तो भाई स्ट्रेंथ अटैक सिखा कर रहना, मैंने राइचू को स्ट्रेंथ सिखा दी है और वो बेस्ट है भाई। मतलब कहने का ये है कि फ्लैश अटैक से तो बेहतर ही है यार। चलो फिर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, मेरे सबसे लड़की से बैटल मैंने कहीं की थी तो अब करनी पड़ेगी। तो मैंने फाइनली इसको भी डिफीट कर दिया। यहाँ पे जो इन्होंने पजल वगैरह बना रखी, मेरे सबसे आगे बोल्डर बहुत सारे आने वाले हैं। रॉक स्मैश मुझे मिला नहीं है अभी, तो रॉक स्मैश का कुछ पता नहीं वो कहाँ मिलने वाला है। पर हाँ ये बात है कि यार अब इस टर्न थोड़ा बड़ा ना हो, क्योंकि मेरे से यहाँ पे फाइट्स बहुत सारा होने वाली है। और मैं अभी पीपी से निकला जा रहा हूँ भाई, मैंने अपना ज़्यादा सेप्टल ही यूज़ किया है नॉर्मल फाइट्स में, और सेप्टल को ज़्यादा मतलब पीपी यूज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू बाकी पोकेमॉन्स। तो मुझे लगता है कि हम लास्ट बैटल तक इस टनल के सेप्टर को चेंज करना पड़ेगा हमें। सेप्टर के अलावा मैं सोच रहा हूँ कि टेल फ्लिमिंगो को आगे कर दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, इसमें देखते हैं कौन सा है। तो यार लाइट स्क्रीन क्या करना भाई मुझे, इसका बेकार मूव है ये। बस मेरे सबसे से अटैक बढ़ता है कि अपना डिफेंस प्लस होता है मे बी। ओके पर डिफेंस का क्या है, पोकेमॉन इवॉल्व है तो डिफेंस अच्छा खासा उसका खुद ही होगा। अगर वो इवॉल्व नहीं है तो मतलब फिर थोड़ी परेशानी वाली बात है। अगर पोकेमॉन इवॉल्व है तो फिर कोई परेशानी है। आइस पजल थोड़ी सी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से पार करेंगे तो जल्दी निकल सकते हैं यहाँ से यहाँ। बस भाई हो गया ना, इसके आगे इससे बैटल करनी होगी हमें, मैंने इससे बैटल नहीं की है। तो यहाँ पे एक बार रिपेल यूज़ कर लूँ, मैं बस सुपर रिपेल्स पड़े हैं, नॉर्मल रिपेल जा चुके हैं, मैक्स रिपेल मैं अगली छोटी तक खरीद के रख लूँगा। सुपर रिपेल मेरे सबसे मैं 20 पड़े हैं मेरे पास, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे वो, क्योंकि सुपर रिपेल एज़ कम्पेयर टू अरे यार नॉर्मल रिपेल से बेटर होते हैं। अब साइकिल यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब सिटी के पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली जब ये बोलते साइकिल यूज़ नहीं करनी है तो मतलब हम अब सही जा रहे हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे बैटल करके इनको भी मैंने डिफीट कर दिया हुआ है, अभी भी हम यूज़ नहीं कर सकते साइकिल को, तो हाँ मतलब सही जा रहे हैं फिलहाल के लिए। ओके यहाँ पे बैटल करने होगा, अरे पकड़ लिया इसने हमें, तो मैंने इसको भी डिफीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम इसके आगे, यहाँ पे आइस पजल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी आइस पजल। यार ये बंदे से बच जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे बैटल नहीं करनी थी वैसे। मेरे पीपी टोटल ख़त्म हो चुके हैं सेप्टाइल के, अब एक दो ही बड़े मतलब मुश्किल से बचे होंगे यार पीपी। मतलब मेरी लीव ब्लेड पूरा टोटली ख़त्म हो चुका है लीव ब्लेड मेरा। ओके यहाँ पे एक और बैटल है, इसको डिफीट करने दो। इसके आगे मेरे हिसाब से हम चिड्डी के एग्जिट तक पहुँचने वाले हैं, पर यार कितनी बैटल्स होनी है यार यहाँ पे, और मतलब मैं थक चुका हूँ अच्छा खासा, मेरे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा ही पीपी यूज़ कर ली है, जिसकी वजह से मेरे मैक्सिमम पोकेमॉन्स की पीपी ख़त्म हो चुकी है। प्लस इसको भी अभी यहीं पे आना था भाई, मुझे मतलब ये लगता है कि ये बैटल करने वाला है यहाँ पे हमारे साथ। हाँ लग रहा है, देखो ना शायद ये लोग हाँ ये बैटल के मूड में है। प्लस ये अभी से कुछ पोकेमॉन मेरे पूछ रहा है, पर ये बैटल बिना किए जाने वाला नहीं है यहाँ से यार। तो मतलब हमारे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पोकेमॉन्स की पीपी ख़त्म हो चुकी है कुछ अटैक्स की, और कुछ अटैक जो मतलब भाई यार किसी काम के नहीं है, उनका हम क्या कर सकते हैं बताओ यार। अब सेप्टल का गल लगा कर चलते हैं, मेरे हिसाब से इसका भी कुछ पीपी कम हो चुका है, लीफ ब्लेड खत्म होने वाले होंगे देख लेना। पर हम ना पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे। रायचू को मैंने बहुत कम मैचेस में इस्तेमाल किया है, तो रायचू के थंडर पड़ा होगा हमारे पास, पर थंडर का ये पंगा आता है यार अटैक बहुत मिस होता है, पर हम थंडर से शुरुआत करेंगे। मुझे पता है अरे यार वीली विंड भी चलता है हमें यार, चलेगा ठीक है। अब मैं टेली फ्लेमिंगो का यूज़ करते हैं हम फ्लेम थ्रोअर, और मुझे लगता है कि ये हम आराम से इसको हरा सकते हैं। बढ़िया यार, इसने खुद ही एडवांटेज वाला पोकेमॉन निकाल लिया बाहर, देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला होगा। अब चलो टेली फ्लेमिंगो ने इसका पहला पोकेमॉन निकाल दिया है, और नेक्स्ट है ट्रैपिंज। ट्रैपिंज ग्राउंड टाइप, ग्राउंड ड्रैगन टाइप में आता है क्या ये? हाँ ड्रैगन टाइप में तो होता है ना। आइस बीम सुपर इफेक्टिव भाई, गया ये खलास भाई, इसको जिताना मतलब इसका सिक्स्थ पोकेमॉन ट्रैपिंज है, मतलब ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। तो अच्छा हो हमारे पास अपना फ्लोट जल है, इसको हमें आइस बीम सिखाई है, तो मतलब आगे जाके इसका ये ट्रैपिंग वाइड्रा बनेगा और उसके बाद फ्लाई गॉन, तो ठीक है हम इसको आराम से डिफीट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा आने वाला होगा। मे बी है ओके इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन लक्सरो, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सेप्टाइल। सेप्टाइल पास एक लीबलेट पड़ा होना चाहिए यार, एक या दो लीबलेट होने चाहिए यूज़ करने के लिए, मुझे लगता है शायद होने चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। ओके आ चुका है ये मैदान में, देखते हैं एक ही लीबलेट पड़ा है भाई। चलो हम मेगा एवोल्यूशन करते हैं ताकि इसकी बचने के चांसेस ज़ीरो रहें और अपने थोड़े से स्टैट्स ऊपर हो जाएं ताकि हमारा डिफेंस अटैक सब कुछ बढ़ जाए। चलो ये भी कर्स जैसा निशान बन गया था, मेगा एवोल्यूशन का तो निशान लगता भी नहीं है ये देखने में। ओके यहाँ पर कर दिया हमने ली ब्लेड, सुपर इफेक्टिव तो नहीं होगा कि न्यूट्रल अटैक होता है ये इस पर या क्रिटिकल हिट, क्या लगता है क्रिटिकल हिट है ये, न्यूट्रल मूव था ये। नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा आने वाला है इसका, मैग्मी, इसने मैग्मी पकड़ा है ओके तो हाँ बढ़िया है यार। हम यूज़ करते हैं फ्लोट जल, इसका अपना वाटर कौन सा मूव अच्छा रहेगा वाटर टाइप में, अपना वर्लपूल, हाँ मैं भूल गया था वही सोचने लग पड़ा मैं, वर्लपूल ये भी गया, मतलब फायर टाइप में इसके पास ये है यार, ये मैगमोटर बनेगा तगड़ा होगा भाई ये, मतलब ये सेप्टाइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। ओके नेक्स्ट है हॉन्टर, मेरे हिसाब से फ्लोट जल हैंडल कर लेगा यार हॉन्टर को, पॉइजन टाइप में आता है आइस बीम की तब भी सुपर इफेक्टिव होएगी मेरे हिसाब से, वूपल भी काम होगा मतलब वर्लपूल। चलो हम ये यूज़ कर लेते हैं आइस बीम, हॉन्टर देखते हैं भाई तुम्हारा क्या बनता है भाई, पॉइजन टाइप में हो यार, सुपर इफेक्टिव या क्रिटिकल हिट, क्रिटिकल हिट नहीं यार, ये भी न्यूट्रल लगा यार, कुछ गड़बड़ है, ये न्यूट्रल लगता है क्या इन पे। चलो देखते हैं, आई थिंक तुम इसको भी हरा ही दोगे यार। हम करते हैं आइस बीम, 30-40 दस का फर्क क्या चलता है इतना तो भाई चलता है। अरे यार इसने सर्वाइव कर लिया टॉन्ट, अरे यार प्लीज़ कंफ्यूज मत होना यार, कंफ्यूज मत होना प्लीज़ प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, हम मैच जीत जाएंगे आराम से, ओ शुक्र है। तो फाइनली फ्लोट जल ने इसको डिफीट कर दिया हुआ, मुझे लगा था भाई अगर हम टॉन्ट से कंफ्यूज हो जाते ना तो थोड़ा देने के देने पड़ जाते यार, सारा मैच ख़राब हो जाता। चलो ये अभी के लिए हार चुका है और मेरे हिसाब से हम, मुझे लगता है 7th बैच हमारा आगे होने वाला है, तो अभी के लिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अभी क्या बन रहा है मतलब रेयर पोकेमॉन के बारे में, अभी हमसे बाद में मिलने वाला है, मत ही मिलने ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं हर बार बैटल करता रहता जब देखो ये रूट नंबर 17 है बस, अब कोई पोकेमॉन ट्रेनर मत आए लो भाई आ भी गया। चलो डिफीट करते हैं यार इसको, चलो यार फाइनली मैंने आगे ओल्ड वूमेन थी मैंने उसको भी डिफीट कर दिया हुआ है यार, बस करो यार मुझे और बैटल्स नहीं करनी है। सच्ची बोलूँ यार इस गेम के डिज़ाइनर ने क्या सोचा था भाई इतनी बैटल्स लगाने के लिए, एक जगह पे कोई पोकेमॉन सेंटर या नर्स जो ही खड़ी कर देता है यार, मतलब हेल्थफुल हो जाती है अपनी, सोचो इतना मैं मैक्स लेवल ना लेके घूमता ना अभी पोकेमॉन्स के ज़्यादा तो अभी तक हम आराम से पोकेमॉन सेंटर के दो बार चक्कर मार के वापस आ जाते यहाँ पे हम, भाई सच में बोल रहा हूँ अगर तुम्हारा लेवल कम है तो तुम मत ही आना यहाँ से यार, मैंने भाई मतलब इतने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसमें तो मैं क्या बताऊँ यार, बीच बीच में मैं हार भी गया था बट अच्छा हुआ मैं रिवाइव्स पड़े थे मैं बच गया, मैंने रिवाइव रखे हुए हैं कुछ पोशंस पड़े थे मेरे पास तो बचा रहा मैं, मतलब अगर सारा सामान ना हुआ और तुम मतलब यहाँ पहुँच गए ना तो तुम महान हो यार, कुछ भी बोलो यार यहाँ तक आना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा यार, मतलब टनल्स के अंदर भी बैटल हुई हम अपनी हेल्थ को रिस्टोर नहीं कर पाए, इतनी अच्छी खासी पोशन कितने थे मेरे पास, बहुत कम पोशंस थे, और उसके बाद सीधा एक दोबारा सी मेन बैटल और अब ये नीचे लोग आए थे जो यहाँ पे, ये भी उस टीम का मेंबर में से एक है और ये मुझे देख रहा था भाई, मतलब क्या ये लीडर सीक्रेट मुझसे लीक करा भाई, तुम अपने एनिमी से बात कर रहा है इस टाइम पे और तुम सब कुछ बता भी रहे हो यार, मतलब ऐसे लोगों क्या बोले हम, चलो छोड़ो क्या बोलना है इसको, हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में और ये हमें बता रहा है कि हमें नेक्स्ट सिटी कहाँ पे मिलने वाली है जाने के लिए। ज़ैपडोस थंडर क्लिक किया और थंडर मारा जिससे अपना बेचारा पोलीबैग खेल के, चलो कोई बात नहीं होता रहता है, वैसे हमारा पोलीबैग था नहीं वो मुझे कोई टेंशन नहीं है। प्लस अभी के लिए अच्छा इनका मेन हेडक्वार्टर पीछे रह गया जहाँ पे हमें अपना टीएम मिला था, मतलब एचएम स्ट्रेंथ मिला था कि कुछ और मिला था मेरे याद नहीं आ रहा कौन सा था यार, मुझे ना याद आ गया उसने नाम जो बोला ना HQ, तो हाँ मेन हेडक्वार्टर था पर वहाँ पे तो मेरे हिसाब से कोई स्थान रास्ता जाने के लिए इतना मैंने आसपास देखा था, तो मतलब शायद उन्होंने वहाँ पे अपना मतलब सीक्रेट कुछ किया हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता लगा है। पर हाँ अभी के लिए हम जाएंगे अंदर बैच जीतने, मैंने सबको पहले डिफीट कर दिया था नॉर्मल सी बात है, प्लस अब देखते हैं भाई इसको हराना होगा हमें, इसके पास शायद मेरे सबसे स्टील टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, हाँ स्टील या आइस टाइप इन दोनों में से ही होंगे इसके पास, चलो देखते हैं क्या बनता है इसका हिसाब किताब। ओके भिड़ू ओ सीजोर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस चीज़ पे, इसके पास सीजोर था मुझे नहीं पता था भाई सीजोर पड़ा होगा इसके पास। हम पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं क्योंकि वैसे ये बग टाइप पोकेमॉन है और इसने अगर कोई बग मूव किया तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है सेप्टाइल पे, तो अपना टेल फ्लेमो संभाल लेगा। ओके इसने एजिलिटी किया है गुड,
हाँ बढ़िया स्पीड शार्प की है, पर तुम बचने नहीं वाले हो भाई, मेरा फ्लेम थ्रो काफ़ी तुम्हें मारने के लिए। एक्यूरेसी 100% है फ्लेम थ्रो की, तुम नहीं बच पाओगे ब्रो। इसका एक पोकेमन गया है, अच्छा तीन पोकेमन है इसके पास, इजीली डिफीट कर देगा। बट नॉर्मली इतने बैचेस तक पहुँचते पहुँचते आराम से जिम लीडर पाँच पाँच पोकेमन यूज़ करना शुरू कर देता है, पर ये तीन पोकेमन यूज़ कर रहा है तो हम फायदे में। स्टीलिक्स हैंडल कर लेंगे हम आराम से, स्टीलिक्स ओके हम यूज़ करते हैं इस पर, कोई तगड़ा मूव करेंगे हम लोग। चलो फ्लेम थ्रो से ख़त्म करते हैं इसको, तगड़ा छोड़ो। अगर फ्लेम चार्ज मूव गया वो दोनों अटैक मिस हो गया तो अपनी बैंड बच जाएगी। चलो ये भी गया, नेक्स्ट पोकेमन देखते हैं कौन सा आने वाला है। बढ़िया यार, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा पोकेमन आएगा। 44 का आ गया भाई, अब और क्या चाहिए बताओ। अब जल्दी अपने ड्रैगन टाइप पोकेमन को भी हम ले लेंगे। ये अटैक अच्छा होने वाला है, आई थिंक ये फ्लाइंग टाइप मूव है ना, चेक करते हैं ना कितना अच्छा है ये। 15 पावर 50 है, 100% एक्यूरेसी मुझे नहीं चाहिए। पावर 80 या 90 के करीब होता तो हाँ मैं ले लेता, ये 100 कर देते तब भी ठीक था। आई थिंक इसको भी हम हरा सकते हैं आराम से। ओके थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा फ्लेम थ्रो करते हैं। मतलब किस टाइप का जिम था भाई ये? ये बग टाइप था कि स्टील टाइप था कि नॉर्मल टाइप है, क्या किस टाइप का जिम है? या फिजिक्स टाइप है स्लैश के? आई थिंक ये दो बार पोशन यूज़ करेगा ना, क्योंकि इसके बाद तीन पोकेमोन थे तो दो पावर पोकेमोन को ये रिवाइव करने की कोशिश कर सकता था, वो अलग बात है हमने करने नहीं दिया। मेरे हिसाब से ये दो बार पोशन यूज़ करेगा, ये इसका पहली बार था तो दूसरी बार दोबारा होगा, देखते हैं। मैं दोबारा फ्लेम थ्रो करता हूँ, मैंने क्यों फ्लेम थ्रो कर रहा हूँ? नहीं यार, अगर फायर बस्ट अपना अटैक मिस हो गया या फ्लेम चार्ज तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूरेसी कम है ना उनकी। फ्लेम थ्रो की एक्यूरेसी है पर पावर लेवल थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू वो दोनों अटैक से। अरे यार थोड़ा सा रह गया यार, कुछ हो जाए बढ़िया। अरे यार यही तो चाहिए था बर्न, अब ये बर्न का डैमेज खा भाई, ये हुई ना बात। अब नहीं पोशन यूज़ करेगा तो, वैसे दो पोशन यूज़ कर चुका था ना ये, हाँ कर चुका है, तो मतलब कोई फायदा भी नहीं था, इसने हारना ही था नॉर्मली। हमने फाइनली इसको डिफीट कर दिया, ये हमारा सेवन्थ बैच था, पर लेवल कुछ खास नहीं है यार सेवन्थ बैच के कंपैरिजन में, देखो ना। मतलब हमारे दुश्मन को 30-30 लेवल है मेरे सबसे, हमें पोकेमोन लीग से पहले 50 तक हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भाई अपना काम खराब हो सकता है। चलो अभी के लिए मुझे आयरन टेल में अटैक मिल चुका है, पता नहीं ये स्टील जिम था क्या, स्टील टाइप जिम था, मुझे नहीं पता लगा किस टाइप का जिम था। ऐसा करते हैं हमने जिस सिटी को नाम लिया उस सिटी में हम चलते हैं, मेरे हिसाब से वो सिटी हमें मैप में नज़र आ जाएगी अगर हम फ्लाई करने का बटन दबाएंगे। अरे भाई ये क्या फिफ्थ आइलैंड भाई, मतलब मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे यार? मैं टनल से आया था यार, ये क्या यार हिसाब किताब, मतलब पैदल जाना पड़ेगा टनल को पार करने के लिए, मतलब दोबारा टनल पार करनी पड़ेगी पूरी पैदल। ठीक है यार, तो फिर अब उसको तो हम बाद में देखेंगे। तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।